दोस्तों जय जय भारत। आपका अपना अरिजीत फौजी। दोस्तों आज छुट्टी के दौरान आगरा आया हूँ ताजमहल देखने घूमने के लिए। तो दोस्तों कोई भाई है जो आगरा गया है, मिल सकता है। आज पूरे दिन आगरा में रहूँगा। तो दोस्तों टी आर्मी के बारे में रात को भी वीडियो बनाया था आपके फौजी भाई ने, और मैं इतने वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस बार जो गरीब भाई हैं, जो मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के भाई थे, उनका सिलेक्शन हो यार। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, हर चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे भर्ती में दौड़ना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल कैसे होगा, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर देता हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आशा है दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन लड़कों ने कल पूछा था सर डॉक्यूमेंट में हम मेरिड हैं तो क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरिड सर्टिफिकेट चाहिए, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो भाई 21 साल से कम है ना उन्हें अनमेरिड सर्टिफिकेट चाहिए, जो 21 साल से ऊपर है उन्हें कोई नीड नहीं है अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवाने की। और दोस्तों जो भाई जिनकी एज 21 साल से लेकर 42 साल के बीच में उनको 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा, और जिन भाइयों की एज 18 से लेकर 30 साल तक है उनको 5:40 या 5:30 तक का टाइम मिलेगा। और जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड और जोन फोर्थ आपको वहाँ जाना है जो भर्ती लोकेशन दूर हो। जैसे मैं जोन फोर्थ से स्टार्ट करता हूँ, जोन फोर्थ में आ रहे हैं राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दमन और दीप। तो भाइयों आपको भर्ती देखने जाना चाहिए कोयम्बटूर और बेलगाम, लेकिन एक शर्त है, जिन भाइयों की हाइट 172 सेंटीमीटर से ऊपर है वही कोयम्बटूर जाएँ, नहीं तो उनको बेलगाम जाना चाहिए। जिनकी हाइट कम है उनको बेलगाम कर्नाटक चाहिए जाना चाहिए, या नासिक देवलाली जाना चाहिए, या जाना चाहिए ना कोल्हापुर शिवाजी स्टेडियम में। और जिनकी हाइट ज़्यादा है वो राजस्थान से हो, गुजरात से हो, तो मेरा मराठी भाई हो आपको भाई, आपको उधर कोयम्बटूर जाना चाहिए जिनकी हाइट ज़्यादा है। और दोस्तों जिनकी हाइट कम है 168, 169, 170 तक है तो मत जाना दोस्तों, वहाँ आपको हाइट में आउट कर देंगे। और कोल्हापुर जा रहे हैं तो भाई अपना एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन पक्का होना चाहिए, नहीं कोल्हापुर में पुलिस वेरिफिकेशन पहले मांगते हैं, तो 2-3 चीज़ें वो ध्यान में रख लेना। बाकी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लो यार, आपके लिए आपको फौजी में 100% वीडियो बनाऊंगा, हर एक एक चीज़ एक एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ताकि यार इस बार आपको वर्दी मिले, इस बार आपका सिलेक्शन हो, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज आगरा में देखते हैं ताजमहल, उसका मैं वीडियो जल्द ही चैनल पर अपलोड करूँगा। और जो भाई आगरा उत्तर प्रदेश से हैं आसपास के, तो वो मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। अभी दोस्तों मैं 10 बजे से लेकर कल 10 बजे तक आगरा में रुकूँगा, तो जो भी भाई ये मिलना चाहते हैं लाइव तो दोस्तों मुझे मोस्ट वेलकम है आपका, आप मिल सकते हैं। और दोस्तों जिन भाइयों ने ये पूछा था कि सर मेडिकल कितने पार्ट में होता है, कैसे कैसे होता है, एक वीडियो मेडिकल पे बना दो, तो दोस्तों एकदम लाइव वीडियो बनाऊंगा कि मेडिकल में कैसे कैसे होगा और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मेडिकल में दोस्तों दो टाइप का मेडिकल होता है, इसमें ENT और आपका सर्जिकल, दो डॉक्टर होते हैं, एक ENT का होता है। ENT में आपके आँख, नाक और गला, आँखें आपकी 6x6 होनी चाहिए, एक दूर बोर्ड रहेगा उस पर आपको ABCD पढ़ के बताना है, उसके बाद एक पे आपके ऐसे कार्ड रखा जाएगा, एक आंख से देख के पढ़ के बताना है, दूसरे आंख पे कार्ड रखा जाएगा उसको पढ़ के बताना है, तीसरा आपको एक पेंसिल रहेगी उसके नोक को देखना है, ऐसे आंखों को पूरा उस नोक से आपको नज़रें नहीं हटानी है, एक पॉइंट ये होता है। उसके बाद में एक आपको होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं हिंदी में कलर विजन, जो विभिन्न विभिन्न रंगों में अक्सर होंगे उसको पढ़ के बताना है। उसके बाद कान की बात करूँ तो कान में मशीन डालते हैं, कान में गंदगी नहीं होनी चाहिए, कान का पर्दा फटा नहीं होना चाहिए, कान के पर्दे पे सफ़ेद दाग नहीं होना चाहिए, ये अगर आपके मेडिकल पॉइंट है तो आपको पॉइंट मिलेगा, अगर आपके इन चीज़ों में फिट हो तो आप फिट हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों मुंह की बात करूँ तो दांत आपके क्लीन होने चाहिए, उसके बाद आपके दांत पूरे होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े दांत नहीं होने चाहिए दोस्तों, नहीं तो पॉइंट आएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके थ्रोट, उसके बाद में हाथों का बैंड, दोस्तों सबसे ज़्यादा बैंड मिलता है लड़कों को हाथ में, क्योंकि उन्हें हाथ दिखाना नहीं आता है, टाइट कर लेते हैं हाथों को, आपको हाथों को ढीला रखना है, एकदम ढीला रखना है, सपाट कर देना है, ढीला रखना है, टाइट नहीं करना है, नहीं तो हाथ में बैंड में पक्का पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके जो पैर की नसें हैं वो नसें नहीं दिखनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, पैर का तड़वा एकदम चपटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपके जो घुटने हैं दोनों वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए, उनको बोलते हैं नोकनी, तो आपके घुटने टच नहीं होनी चाहिए। आपको खड़े रहने का तरीका मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे खड़ा रहना है ताकि आपको पॉइंट नहीं मिले दोस्तों। बाकी एग्जाम का मैंने एक वीडियो बनाया है, पीछे के 4,500 क्वेश्चन का समावेश किया, आपको मैं ज़रूर वो PDF दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के रखना ताकि फौजी भाई का वीडियो सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।